محمد آل محمد صلوات. قرب الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤذن الحق بالحق بالقاسم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اسلام میں عقیدے کی اساس افضلی دا بیسک پرنسپل آف فیتھ ان اسلام. میں اپنے آنے والوں میں زیادہ تر ایسے احباب کو پاتا ہوں جو پڑھے لکھے سمجھدار تعلیم یافتہ اور پھر مسلسل فکر کے عادی بھی ہیں. ان کی خدمت میں یہ معروضہ ہے کہ خود آج پڑھے لکھے انسانوں کو اس کا یقین ہو چکا کہ ان کا علم محدود ہے. خود ان کا علم محدود ہے. مسلسل ایک ہی برانچ میں ایک ہی شاخ میں ایک ہی شعبے میں علم حاصل کرنے کے بعد زندگی گزار دینے کے بعد خود اس شعبے کی حد تک وہ اپنے آپ کو تشنا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم منزل پر پہنچ نہ سکے. کسی ماہر علم طبقات الارض سے پوچھئے کہ آپ کا علم کامل ہو گیا. کسی ماہر علم نباتات سے پوچھئے کہ آپ فارغ ہو گئے اپنے تحصیلات میں. کسی ماہر علم حلقت سے پوچھئے کہ آپ اب اپنے ایسٹرانومی میں بالکل مکمل ہیں. کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ آپ طب میں کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ حد ہے. نہیں, ہر انسان اپنے علم کو محدود سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کارخانے حیات میں جس کسی شے کا وہ علم حاصل کرنا چاہے وہ شے لامحدود ہونے جا رہی ہے اور اس کا علم محدود ہوتا جا رہا ہے. ایک شیر کی حیثیت سے سعدی نے کہا تھا, برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر است معرفت کردگار, ایک پتا ایک دفتر ہے معرفت الہی. تو آج وہ حقیقت سامنے ہے کہ واقعی پتے کا علم بھی ہم مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے. اگر آپ غور فرمائیں
तो मैं आपको कुछ दूर और आगे ले जाऊं। लॉर्ड फैराडे की सारी जिंदगी खत्म हुई चोटी पर। उसकी किताब है द एंट नमलतन। चोटी पर इसने काम किया, उसके शऊर पर, उसके एहसासात पर, उसके तरीके जिंदगी पर, उसके मकान बनाने के तरीकों पर, उसके गल्ला जमा करने और फिर काम के लिए दौड़ने के तरीकों पर। उसने जिंदगी खत्म की, 12 बरस गुजर गए तरकी मुसलसल करके। एक चोटी का शऊर, लेकिन जब जिंदगी खत्म हुई तो पूरे इल्म के बाद भी चूटी मुकम्मल तौर पर समझ में ना आ सकी। और आगे पढ़ने वाले और मुफक्किरीन ने फिर उस इल्म में इजाफा किया और किताबें लिखी गईं। तो अब मैं पूछता हूं कि वो कौन सा आलिम होगा जो चूटी को भी जाने, जो दरख्त खुरमा को भी जाने, जो जानवरों को इल्म को भी जाने, जो इल्म हयात को भी जाने, इल्म तबकातुल अर्श को भी जाने। तो यहां चूटी में जिंदगी खत्म हो रही है तो सारे उलूम पर मुहित होना और एक शय से दूसरे शय के रक्त को पहचानना कि चूटी का रक्त खजूर से क्या है, खजूर का रक्त मौसम से क्या है, मौसमों का रक्त तुलू गुरू से शम्स कमर से क्या है। और फिर हमारे निजाम शमसी का रक्त दूसरे निजाम हाय शमसी से क्या है। कोई है इस तरफ से दावा करने वाला? यहां तो एक चूटी में जिंदगी खत्म हो, तो अब जो चूटी में जिंदगी खत्म करे वो ये बतला सके कि चूटी मुफीद है इंसान के लिए या मुजिर है, वो चूटी बतलाए। मगर जो अज्जाए कायनात को देख कर बे इख्तियार कहता चला जाए ये हलाल है, ये हराम है, ये तय्यब है, ये नजिस है, ये पाक है, ये नापाक है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये मुबाह है, ये मकरूह है, तो मालूम होता है इस इंसान को शीरावा बंदे कायनात की तरफ से वो इल्म मिला है कि ये अशिया के रक्त को पहचान कर हुर्मत हिल्लत शैका हुक्म दे रहा है और ये दावा कर रहा है कि मेरी हराम की हुई शय अलामत तक हराम है और जिसको मैंने हलाल किया है वह कायमत तक हलाल है। यानी शीराजा बंद कायनात का दिया हुआ इल्म जिसको मिल जाए वो रक्त अशिया को जाने, वो एक शय के दूसरे शय से इर्तिबात को पहचाने, वो ये जाने कि इंसान का ताल्लुक आलम तकवीन में किन किन चीजों से है और आलम तकवीन की किन किन चीजों का बुरा असर इंसान पर पड़ेगा वो बतलाए। ये इल्म है लामहदूद। हमारा इल्म पूरी कोशिशों के बावजूद महदूद, महदूद लामहदूद की तहकीक कैसे करे? महदूद लामहदूद पर क्या रिसर्च करे? महदूद लामहदूद पर क्या तबसरा करे? अगर गौर से आप सुनेंगे तो एक बात और अजीब अर्ज करूं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जानते हैं कि जब इंसान माजी के तजुर्बों से
मुख्तलिफ उलूम को लेकर जब आगे बढ़ता है तो माजी के तजरबे इशारे बन जाते हैं, माजी के तजरबे इशारे बन जाते हैं और उन इशारों पर आने वाले तजरबों की बुनियाद रखी जाती है। अजीब मसला होगा ये, मगर मैं समझता हूं तालीम पाने वाले हजरात मेरी गुफ्तगू को अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो ये कि किसी साइंटिस्ट को किसी अमर के मुतालिक गुफ्तगू करने में मुझसे और आपसे बड़ी तकलीफ होगी, मगर दूसरे साइंटिस्ट से जब बात करेगा तो अपने सारे तजुर्बात को फकत इशारों किनारों में खत्म कर देगा और दो मिनट में घंटों की गुफ्तगू खत्म होगी। छोटे बच्चों ने हमारे अलजबरा पढ़ी है, जबरो मुकाबला, ये अलाइम, ये नशानात, ये फार्मूलाज हमारे पास मौजूद है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मसावी है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उर्दू में तर्जमा किया, ला मुजबित मा कुल की दूसरी मसावी है ला की दूसरी, दो ला मा मुजबित मा की दूसरी। आपने देखा ये अलाइम है, अलजबरा पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं वो समझ गए कि अलाइम से क्या मुराद है। जैसा पाई की कीमत बतलाई पी आई ए 22/7, अब कोई नादान आदमी से आपने कहा 22/7 से क्या मुराद है तो आप कहेंगे कोई अदद है, कोई तकसीम कर रहे हैं। अगर आपने ये फार्मूला अलजबरा का बतलाया, इस तरह से मैथमेटिक्स के फार्मूले पेश किए तो वो ये कहेगा कि नहीं साहब हम नहीं समझ सकते, इसके पीछे माजी के बड़े तजरबे होंगे। तो जहां निशानियां आ जाती हैं वहां हम अपने आप को दीवाना समझते हैं, चेजाए के हजारों बरस के तजरबे को खाने के कुल जब हुरूफ मुकत्तआत की सूरत में कुरान में रख दे, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम मीम रा, यासीन तासीन, तासीन मीम काफ आया आइन साद हामीम आइन सीन काफ, तो किसी के समझ में आया? चलो रिसर्च करेंगे। चलो रिसर्च करेंगे, कहां से लाएंगे माजी के उन तजुर्बों को जो तजुर्बे वही से वाबस्ता है, समझने की, जो तजुर्बे वही से वाबस्ता है। इकबाल ने वही का तर्जमा अंग्रेजी में किया था रिलीजियस एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस एक तजुर्बा है कि जिसके मुताबिक कुछ नहीं कह सकते कि वही कैसे आती है, वही कैसे आती है। लेकिन वो तजरबे जो वही से मुताल्लिक हैं, हजारों बरस के तजरबे हैं, जब वो निशानियां बन जाए, अलाइम बन जाए, तो आप क्या समझेंगे? तो मैंने तो फकत हुरूफ मुकत्तआत का तस्किरा किया, अब और गुफ्तगू करो। अब ये कि हर आयत एक निशानी है, अब तक तो अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम मीम रा और अलिफ लाम मीम साद पे गुफ्तगू हुई, हर आयत एक निशानी है, हर आयत एक अलामत है जिसके हजार बातिन है, जिस पर हिजाब पड़े हुए हैं, जैसे जैसे हिजाब उलटते जाएंगे ये मानी नए पैदा होते जाएंगे, इसलिए कि इस किताब को कयामत तक रहना है और कयामत तक के लिए तशनदान उलूम की तसल्ली इसी किताब से वाबस्ता है, जो ढूंढने के लिए आए इसी किताब से पाए, लाहद बिन वला लावसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई तर और कोई खुश्क ऐसा नहीं जो इस किताब मुबीन में न हो। और फिर ये कि हमने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं, तो हर आयत इस कुरान में एक अलामत बनी हुई है। कौन है ये दावा करने वाला कि मैं इस आयत को समझ सका? आपकी तो मादरी जबान उर्दू है, जिनकी मादरी जबान अरबी थी,
वो इस किताब को आज तक न समझ सके। अगर समझते होते तो इस किताब की फकत एक तफसीर काफी थी। हर दौर में हर शख्स ने एक तफसीर लिखी और अरबों ने तफसीर लिखी कि एक तफसीर काफी नहीं, फिर लिखो। पश्चात ने तफसीर लिखी अरबी में, यार अल्लाह ज़मख़्शरी काफी थी ना, अरबी में तफसीर है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर लिखी, तफसीर कबीर काफी थी। फिर उसके बाद बहुत गौर और फिक्र के बाद शेख अज़हर तंतावी ने तफसीर लिखी, तफसीर जवाहिर। ये सब मुसलमानों की वो तफसीरें हैं कि जो घरे पाए की तफसीरें समझी जाती हैं, जिसको पढ़ने का मुझे भी बड़ा शौक रहा है और मुझे भी इफ्तिखार है कि मैंने उनको देखा है। और आखिर में रशीद रज़ा मिस्री ने तफसीर अल मनार की कई जिल्दें शाया कर दी, वो भी अरबी में। भाई जब अरबी में कुरान नाजिल हुआ तो एक तफसीर अरबी में काफी थी नहीं। हर दौर में यह समझा जा रहा है कि हक अदा न हो सका, तो उसके माना ये होंगे कि तहकीक करने वाले भी आएंगे। जाहिर है कि उनको अपने कूते लायमूत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने पेट भरने के लिए किसी न किसी पेशे की तो जरूरत है ही। तो इस तरह से वो अपना काम करके जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तहकीक, ये तहकीक, ये तहकीक। उसके बाद दूसरा जनरेशन आएगा, दूसरी नस्ल फिर तहकीक, और तीसरी नस्ल फिर तहकीक। हक अदा न हो सकेगा इसलिए कि महदूद लामहदूद को पा नहीं सकता। मैं समझता हूं कि मैं सही तौर पर इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मेरी मदद करें, अगर मेरे अल्फाज नाकाफी हो और अगर मैं समझा न सकूं तो फिर आप अपनी फिक्र से और आगे बढ़ते जाएं। वो इंसान कामिल जिसके मुतालिक ये अर्ज किया जा चुका कि हम इंसान हैवान से मुमय्यज हुए अकल की वजह से, हम ताबे अकल, हम ताबे अकल, अकल मोहम्मद ताबे वही, ये गुफ्तगु हो चुकी है। हम ताबे अकल, अकल मोहम्मद ताबे वही, तो वही अकल है जिसको सूफियाए किराम ने कहा जो जिब्राइल का शिकार करती है। इकबाल ने कहा यस्ता बक्कमंदा वर्रे हिम्मत मर्दाना, अरे हिम्मत मर्दाना यस्ता का शिकार कर। मौलाना रूम ने कहा बजीर तुंग रहे किब्रियाश मर्दानंद, फरिश्ता सैदो पैगंबर शिकारो यस्तागीर। उसके गुंगुरे किबरिया के नीचे वो मर्दाने खुदा रहते हैं जो फरिश्तों का शिकार करते हैं, जो पैगंबरों पे काबू पाते हैं, जो यज़दा को अपना बना लेते हैं। ये सूफिया एक किराम ने तारीफ की मगर वही समझ में नहीं आई। इकबाल ने बड़ी कोशिश की वही को समझने की और आखिर में ये कहा कि वही की तारीफ कर रहे हैं अखबार। खूब नाखूब अमल की हो गिरहवा चुनकर, जब हयात आप न हो शारे असरार हयात। वो ये समझ रहे हैं कि वजूद मुतलक, जब तक खुद शारे असरार वजूद न हो हम न जान सकेंगे, इसी को वही कहते हैं। ये अपनी तारीफ उन्होंने की, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि पैगंबर इस्लाम ने कभी वही की हकीकत पर गुफ्तगू नहीं की। इसलिए कि पैगंबर जहां चुप हो वहां अब आप और हम तहकीक के लिए जाए कि बताओ वही क्या है। अरे वो रहते सामने तो उनसे पूछते कि वही कहां आई, दिमाग पर आई, आंखों पर आई, आजा वो जवारे पर आई, जबान पर वही आई,
फरिश्ता सामने आया, वही कहा आई, लेकिन कुरान ने कहा नज़ल अलैहिर रूहुल अमीन अला कल्बे, फरिश्ता तेरे दिल पर आया। जो दिल पे आता है वो किसी को नजर भी आता है, जो दिल पे उतरता है वो किसी को नजर भी आता है। कि कोई ये कहे मैंने देखा, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बे, रूह अमीन तेरे दिल पर वही लेकर आए। बहुत गौर से सुनिए, और दिल क्या है, दिल क्या है, दिल एक सलावत, मरकज तबादुल सूर मानी है दिल। सूरत को माना में बदले, माना को सूरत में बदले, आंख सूरत देखे, दिल माना दे, दिल मानी को पेश करे, आंख उसके लिए सूरत तजवीज कर ले, दिल मरकज तबादुल सूर मानी है दिल। कुरान ने कहा अफलम यसीरु फिल अर्ज फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा, जमीन में फिर चल के देखो, सैर करो, ताकि उनको वो दिल मिल जाए कि जिसमें अक्ल हो। कुरान ने कहा इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती, सीनों में दिल अंधे हो जाते हैं। तो उसके माना ये हुए कि दिल महल में अक्ल है, दिल मरकज अक्ल है, और जो मरकज अक्ल है उसी पे वही आई। बहुत गौर से सुनिए, दिल मरकज अक्ल है, जो मरकज अक्ल है उस पे वही आई, मतलब ये दीवाने पे वही नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता, कोई मजनून रास्ते में परहना बंदर रोड पे फिर रहा है, क्या आप ये समझेंगे कि वही आई? माज अल्लाह, इस्लाम के खिलाफ है ये तसव्वुर। वो मजरूब होंगे, वो विलायत की मंजिल पर फाइज होंगे, लेकिन न मलक आए न वही आए, इसलिए कि वही का ताल्लुक है अक्ल से। और अक्ल के क्या माना है? अक्ल के माना यह है कि जो इताअत खालिक करे। बहुत गौर से सुनिए, जो इताअत खालिक करे, इताअत खालिक अपनी मर्जी से करे नहीं, इताअत खालिक करे वास्ते से मोहम्मद के, इताअत खालिक करे वास्ते से मोहम्मद के, इसी को तस्लीम कहते हैं, इसी को इस्लाम कहते हैं, अल्लाह को तस्लीम करना मगर मोहम्मद के जरिए से। मोहम्मद को छोड़ के अगर आपने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं पैगंबर की, मैं तस्लीम करूंगा, मैं तस्लीम करूंगा, मोहम्मद को नहीं मानता, पूरा घर लुटाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है दे दूंगा, जितनी जमीनें हैं सब खैरात दे दूंगा, और सुबह से शाम तक कमरा बंद करके अल्लाह 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 की आवाजें करूंगा, तो ये तस्लीम नहीं। क्यों? कि जिस रास्ते से तस्लीम को हम पर मुअय्यन किया गया, हम उस रास्ते को छोड़कर अगर अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह को मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? इस वास्ते कि अगर फकत बंदगी मकसद होती है तो फरिश्ते क्या कम थे, अगर फकत तस्बीह मकसद है तो मलाइका ने रोज अव्वल कहा था नहनु नुसब्बे हो बे हमदे का व नुकद्दिस लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, ये आदम को बनाता क्यों है? तो कहा इन्नी आलम माला तालमून, हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा इल्म महदूद है, तुम ज्यादा रिसर्च की फिक्र न करो। देखिए किस मंजिल पर आकर मैंने रिसर्च करने वालों को फरिश्ता बनाने की कोशिश की है। तो ये फरिश्तों को हुक्म हुआ कि खबरदार, देखो तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं, तुम्हारा काम इतना है,
तुम्हारा काम इतना है कि फैजा सब्बई तो हूं नफक तो पी है मिन रूही साजदीन, जब मैं उसको बना लू मुकम्मल कर लू और अपनी रूह उसमें फूंक दू तुम सजदा करना। तुम्हारा काम है हमारे हुक्म की तामील तहकीक नहीं। और तुम में से जो ये शिद्दत इख्तियार करे कि हम तो बराबर पूछेंगे, उसका अंजाम मालूम, उसका अंजाम मालूम। इस वास्ते महदूद अपनी हदों को जाने और अपने महदूद का काम यह है कि जहां यह कहा गया वह मल अकल, अकल क्या चीज है? मासूम ने फरमाया मां ओ बेदा दिल रहमान वक्त से बदहिल जिनान, जिससे रहमान की इबादत की जाए, जिससे अबदी नेमतों को हासिल किया जाए वो अकल। जब आप इस मंजिल तक पहुंच चुके तो मैं समझता हूं कि मेरा उन्वान तो यकीनन आपके दिल दिमाग में घूम रहा होगा। मैं सूरह बकरा से आयतों को शुरू करूं, आठवीं आयत ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। इंसानों में वो लोग भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, कयामत पे ईमान लाए, मगर वो ईमानदार नहीं है। हर एक शख्स कह रहा है मैं ईमान लाता हूं अल्लाह पर और कयामत पर, और अल्लाह कहता है मा हुम बिमुमिनीन, ये ईमानदार नहीं है। क्यों? युकादिउन अल्लाह, अल्लाह से मकर कर रहे हैं। वो मा यकदउन इल्ला अन्फुसहुम, लेकिन हकीकत में ये अपने नफ्सों से मक्कारी कर रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह इस बीमारी को और ज्यादा करे। अब आप तवज्जोहात को परेशान न करें, हैरान न हो, जुमले के पीछे न जाएं कि अल्लाह जब खुद बीमारी को ज्यादा कर देता है तो सेहत कौन दे। अब आप इस फिक्र में न जाएं, फिर एक अलाहदा उन्वान कायम करके तकरीरों की जरूरत होगी। अल्लाह इस मरज को ज्यादा करता है इसलिए कि खुद इंसान अपनी इस्तेदाद को खत्म कर देता है ये कहकर कि हम हिदायत नहीं चाहते। हम अल्लाह पे ईमान लाए, कयामत पे ईमान लाए, खुदा ने कहा नहीं तुम मोमिन नहीं हो। फिर परवरदिगार आखिर ईमान की तारीफ क्या है, ईमान कैसे लाए? सूरह बकरा 136वीं आयत, ये आठवीं आयत थी। कूलू, अब कहो आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पे ईमान लाए। वबिमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इलैना, और जो चीजें हम तक आई हम पर पहुंची उस पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इसहाक व याकूब वल असबात, जो इब्राहीम पर नाजिल हुई चीजें उस पर ईमान लाए, जो कुछ इसहाक पर नाजिल हुआ, जो याकूब पर नाजिल हुआ, जो कबाइल पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए। वमा उतिया मूसा व ईसा, जो मूसा पर नाजिल हुआ, जो ईसा पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए। वमा उतिया वमा उतिया नबी जूना मिन रब्बिहिम, और जो सारे अंबिया को उनके रब की तरफ से मिला उस पर ईमान लाए। परवरदिगार ये ईमान का तो एक तवील सिलसिला हो गया कि खाली खुदा और यौम आखिर पर ईमान नहीं, ये ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक के वास्ता वो न रहे कि जिसको खुदा वास्ता बनाना चाहता हो, और जब तक उस पर ईमान न हो
इब्राहिम पे ईमान, इसहाक पे ईमान, याकूब पे ईमान, असबात पे ईमान, मूसा और ईसा पे ईमान, और जो हम पर नाजिल हुआ किसी के वास्ते से वो नहनो लहू मुस्लिमून, और हम हैं तस्लीम करने वाले। खूब, यानी जब तक रसूलों पर ईमान न हो, जब तक रसूलों पर ईमान न हो उस वक्त तक ईमान नहीं। एक और मंजिल बहुत अहम, सूरह निसा, यौमइज़िन यबद्दुल लज़ीना कफरू व असौर रसूला लौ तुसद्दा बिहिमुल अर्ज़। क़यामत का वो दिन होगा कि काफिर जिन्होंने रसूल की मासीयत की, वो ये पसंद करेंगे कि काश वो जमीन का पैवंद हो जाते, काश वो जमीन का पैवंद हो जाते, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, जमीन के बराबर हो जाते। वल्ला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, अल्लाह से तो कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। यानी कुरान ने यह जिक्र नहीं किया कि जिन्होंने मासियत खुदा की हो, कुरान ने कहा नहीं, जिन्होंने मासियत रसूल की हो वो ये चाहेंगे कि हम जमीन के बराबर हो जाते, पैबंद हो जाते। आज मुंह दिखाने का मौका न मिलता, आज सामने रसूल को न भेजते न देखते। आप कहेंगे कि इस आयत में तो लफ्ज रसूल है, सिर्फ रसूल नहीं, जरा सियाक सबाक के साथ पूरी आयत सुनिए। कैफा इज़ा जेना मिन कुल उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिक अला हाउलाए शहीदा। ऐ रसूल, वो कैसा दिन होगा जबकि हर उम्मत अपने एक गवाह के साथ आएगी और तुम उन तमाम गवाहों पर गवाह रहोगे। यौमइज़िन यबद्दुल लज़ीना कफरू व असौर रसूला, वो दिन होगा जबकि रसूल की मासीयत करने वाले ये कहेंगे काश हम जमीन के बराबर हो जाते। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और खुदा से कोई बात छुपी हुई नहीं रहेगी, नहीं रहती। तो पता चला कि दायरे इल्म व अमल में, दायरे ईमान में, दायरे अक्ल में, दायरे इस्लाम में पैगंबर की जात वो मरकजियत रखती है कि अगर उस मरकजियत से हटकर कोई दायरे में रहना चाहे तो उसको हक नहीं है उस दायरे में रहने का। वरना हर शख्स ये कहता है कि मैं बंदा हूं, वो मेरा खुदा है। खुदा और बंदे के दरमियान तुम पैगंबर को क्यों लाते हो? आज पैगंबर दुनिया में नहीं है, पैगंबर 11 हिजरी में मर चुका, ये 1385 हिजरी है। या मैं हूं या मेरा खुदा है, इन दोनों के दरमियान पैगंबर क्यों आए? तो बिरादर अजीज, नमाज छोड़ो, रोजा छोड़ो, ज़कात छोड़ो, हज के तरीकों को बदल दो, सारी इबादतों को बदल दो, इसलिए कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान अब किसी और का हुक्म न रहे। अब तुम अपनी मर्जी से इबादतें बनाओ, अब तुम अपनी मर्जी से तहकीक करके बंदगी के रास्ते मुहैया करो ताकि दुनिया जान ले कि हकीकत में एक मूजिद है जिसने ईजाद इबादत की है। लेकिन अजीब बात है, साइंस में ईजादात अच्छे मालूम होते हैं लेकिन बंदगी में ईजादों को बिदअत कहा जाता है। साइंस में ईजादों की बड़ी तारीफ होती है लेकिन बंदगी में अगर दुआ का लफ्ज़ बदल जाए, बंदगी में अगर सूरे की कोई आयत में तहरीफ कर दी जाए, सूरह हम्द पढ़ते हुए अगर कोई कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो इरशाद हुआ कि रद्द कर दो इसकी इबादत को, इसके मुंह पर दे मारो, हमको कबूल नहीं है। वमन युशाक़िक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिह जहन्नम व साअत मसीरा। जो मेरे रसूल से बिगड़ के जाए, हिदायतों
के आने के बाद और अपना रास्ता साहेब ईमान से अलग रखे, साहेबान ईमान से दूर हो जाए, तो हम जिधर मुंह मोड़ के जाता है उधर उसको जाने देते हैं, वापस नहीं बुलाते। उसके लिए जहन्नम उसका मकाम है और ये बदतरीन जगह है। यानी जो रसूल से बिगड़ जाए, 11 हिजरी में बिगड़े तो जहन्नम, आज बिगड़े तो जहन्नम, और कयामत तक अगर किसी मंजिल पर कोई रसूल से बिगड़ जाए, सिर्फ आंखों को बचाने की कोशिश करे, किसी हदीस के मुताल्लिक आंख से ये इशारा करे, अरे रहने दो, हटाओ, बहुत सी हदीसें देखी हैं, गोया उसने तौहीन की है अपनी मर्तबत की, गोया उसने तौहीन की है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की। इस वास्ते यकीनन खुदा को ये तौहीन पसंद नहीं कि उसके बंदे के लिए कोई जिल्लत पसंद गुफ्तगू करे और कोई जलील आगे बढ़ जाए और इस तरह की बातें करे। तो मैं समझता हूं कि अब इन तमाम हालात पर आपकी नजर होगी, मुसलसल हम दलाइल को पेश करते जाएंगे। अब इस मंजिल पर पहुंचकर मेरा यह फरीदा है कि बतलाऊं कि हालात ऐसे ही थे, हालात ऐसे ही हैं। एक तरफ शाही ये समझती थी और शाही आज भी ये समझती है कि अगर पैगंबर इस्लाम की अजमत और उनका एहतराम जरूरत से ज्यादा हो जाए, अगर उनके नाम पर मुसलमान सर झुकाने लगे, अगर उनके नाम पर मुसलमान की आंखों में आंसू आ जाए, तो फिर शाहों की अजमत कहां बाकी रहेगी। इसलिए पैगंबर इस्लाम की कब्र पर जाकर हाथ लगाना, बोसा देना, या हाथों को उठाना, या इनको वास्ता बनाना, या इनके वास्ते से दुआ करने को बास अकलमंदान जहां ने, बास मुफक्किरीन रोजगार ने उसको नामुनासिब जाना, उसको बिदअत ख्याल किया और ये कहने लगे कि ये जायज नहीं। इस वास्ते कि अगर पैगंबर इस्लाम की 1382 हिजरी में भी ये अजमत रहे, तो फिर शाहों का इख्तदार कैसे बाकी रहेगा, फिर मुस्तबिद इंसानों की बारगाहों में इंसानों की गर्दनें कैसी झुकेंगी, और फिर ये कैसा समझा जाएगा कि मुसलमान हमारी भी अजमत करता है। खुदा गवाह है कि मुसलमान के पास इस कायनात में, इंसानियत की दुनिया में, सिवा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के और जिसकी तरफ मोहम्मद ने इशारा किया हो, सिवा उनके किसी की अजमत नहीं है, किसी की अजमत नहीं रहेगी। शाहियां बदलती रहेंगी, शाहियों में इनकलाब आते रहेंगे, मुलूकियत आज रहेगी कल नहीं, वर्ष कभी थी अब नहीं, गरज इस तरह की तब्दीलियां बराबर होती जाती हैं, होती जाती रहेंगी। तो हम उस अजमत व एहतराम को छोड़ नहीं सकते। कल की तकरीर के आखिरी अज्जा ये थे कि आले मोहम्मद इस बात पर मुसिर हो गए कि हम अपने जब का एहतराम बाकी रखेंगे, हम अपने जब की अजमत को बाकी रखेंगे। यजीद मुलूकियत का नुमाइंदा तख्त पर बैठा हुआ हराम मोहम्मद को हलाल कर रहा है, शराब पीता जा रहा है और बची हुई शराब को सर हुसैन पर फेंकता जा रहा है और कहता जा रहा है हाशिम बिल मुल्क फला मलकुन जाअ वला वहयुन नज़लू। हाशिम की औलाद नबुव्वत का एक ढोल मचाए हुए थी, हाशिम की औलाद ने दीन का एक ढोंग रचाया था, न फरिश्ता आया न वही नाजिल हुई। जब ये मजहब की कैफियत मुलूकियत के हाथों बन जाए, जब मुलूकियत इस नजरिए को पेश करे कि न फरिश्ता आया न वही आई, तो फिर जितने उस मुलूकियत के जेरे इख्तदार होते हैं, जितने हजरात उस कुव्वत के जेरे असर होते हैं, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, इंसानियत बादशाहों के दीन पर चलती है, तो लाजमी नतीजा होगा कि वो भी यही समझने लगेंगे, वो भी यही फिक्र करेंगे कि वाकई ये खेल था, ये ढोंग था, और अब चूंकि हमने एक मुआशरा बना लिया है, चूंकि हमने एक सोसाइटी बना ली है, चलो अब हम उसमें तब्दीलियां कर दें, तगय्युर कर दें, जमाना साज हो जाए, जमाने के बदलते हुए हालात में हम भी अपने आप को बदल डालें। बड़ी अजीब मंजिल होगी, बड़ी अजीब मंजिल होगी। सुनो, जो हुक्म खुदा है वो हुक्म रसूल है, जो हुक्म रसूल है वो हुक्म खुदा है।
الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آخری آیت سنو اور یاد رکھو, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, وہ لوگ جو اللہ سے کافر ہوئے, وہ لوگ جو رسول سے کافر ہوئے, یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کر دیں. ان کا ارادہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں تفریق پیدا کر دیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون, اور وہ یہ کہتے ہیں, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ ہم بعض پہ ایمان لائیں گے بعض پہ کافر ہو جائیں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور یہ ارادہ کرتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالو, کوئی درمیانی صورت نکالو, نہ زیادہ مانو نہ زیادہ انکار کرو, اپنے حالات کو دیکھ کر راہ بناؤ. اولئک هم الکافرون حقا, یہ کافر حق یہی. محمد آل محمد سرکار. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کافر ہو گئے, ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق کریں. خدا کے لیے تو سوچئے, خدا واجب ہے, رسول ممکن, خدا قدیم ہے, رسول حادث, خدا عالم ہے, رسول اس علم کے بنسبت محتاج, خدا خالق ہے, رسول مخلوق. مگر خدا کہتا ہے فرق نہ کرو, فرق نہ کرو تو کاہے میں, خدائی میں اور بندگی میں فرق نہ کرو, نہیں حکم میں فرق نہ کرو. اگر رسول یہ کہے کہ اللہ نے کہا تو سمجھو کہ اللہ نے کہا, اگر محمد نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ نہ پوچھو کہ یہ اللہ کا حکم کیسے آیا, کیوں آیا, یہ آپ ہی کے گھر والوں کے لیے کیوں آیا, یہ آپ ہی کی آل کے لیے کیوں آیا, یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر مبدت کو واجب کر دیا تو سمجھ لو کہ خدا کا حکم ہے, اگر درود میں آل کو شامل کیا تو سمجھ لو کہ خدا کا حکم ہے, اور اگر مسجد کے دروازے بند کیے اور کسی کا دروازہ کھول دیا سمجھ لو کہ خدا کا حکم ہے, اور اگر کسی کو دوش پر چڑھا کر بت شکنی کے موقع پر بت توڑائے تو سمجھ لو کہ خدا کا حکم ہے. اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آج فتح مکہ کے دن آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کاندھے پر کون ہے, یہ کیسے بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں, تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا, علی کار حق کر رہے ہیں, میں بار حق اٹھائے ہوئے. یہ جواب تھا ختمی مرتبت کا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ختمی مرتبت اپنی طرف سے جواب دے رہے تھے, ختمی مرتبت ہر ایک سلام ہر آن وحی الہی سے قریب ہے. دیکھیے پیغمبر آپ کے بڑے شجاع ہیں, پیغمبر آپ کے بڑے دلیر ہیں, زمانے نے ایسا شجاع نہیں پیدا کیا, زمانے نے ایسا دلیر نہیں پیدا کیا. علی کی بھی جو ہمت ہے وہ یہی ہے کہ میں ایسے ایک شجاع کے ساتھ ہوں, علی کی بھی طاقت یہی ہے کہ میں اس شجاع کے حکم پر کام کر رہا ہوں جس کے شجاعت کی دنیا میں نظیر نہیں ہے. اور پیغمبر کتنا شجاع انسان ہے کہ جو تلوار نہیں چلاتا, کتنے شجاع تھے, کتنی شجاعت تھی, تلوار نہیں کھینچی, کسی کو تماچا نہیں مارا, مگر فقط تلوار کھینچنا شجاعت نہیں ہے, سب سے بڑی شجاعت یہ کہ دنیا مخالف ہو, محمد اکیلے کہہ رہے ہیں کہ یہی حق ہے. سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ دنیا مخالف ہو, قبائل مخالف ہو, اور دیوار خانہ کعبہ کو تکیہ لگا کے ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے, وہی آئی
हबीब, इन लोगों की तमन्ना ये है कि जरा सा तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो तो ये भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जरा सा तुम सुलह करो तो ये भी सुलह करेंगे, जरा तुम इनके खुदाओं को जरा सा माफ करो ये तुम्हारे खुदाओं को, तुम्हारे खुदा को खत्म बदान माजल्ला तुम्हारे खुदा को पुकारेंगे। हबीब, इनकी तमन्ना ये है कि तुम मुसालह करो, वद्दू लव तुदहनु फयुदहनु। अब पैगंबर ने आयतें पढ़ी, अब कुफार ने कान लगाए कि शायद अब सख्त कलामी न होगी, अब इस आयत के बाद पैगंबर शायद चुप हो जाएंगे, लेकिन सूरह नून कलम की इसी आयत के बाद इतने सख्त अरबी में अल्फाज आए हैं कि अगर आज कोई अरब दूसरे अरब को वो अल्फाज कहे तो तलवार चले। ला तुते कुल्ला हल्ला फिन महीन वद्दु लौ तुधेनु फयुधेनून, ला तुते कुल्ला हल्ला फिन महीन हम्माजिन मशाइन बेनमीम मन्नाइन लिल कैर मुहतदिन असीम उतुल्लिन मिन बाद जालिक जनीम। खबरदार पैगंबर, किसी झूठे फितना परवर गीबत करने वाले की इताअत न करना, चोली खाने वाले की इताअत न करना, दगाबाज की इताअत न करना, पैगंबर उसकी इताअत न करना जो नेकियों में माने हो, जो हद से बढ़ने वाला हो, मासियतकार हो। सुनो, उसकी इताअत न करना जिसका नसब दुरुस्त न हो, जिसकी नस्ल सही न हो, और जो इंतहाई बदकिरदार हो। अब जो आए थे पहुंचे, एक तरफ से अबू जहल बिगाड़ते हुए आया, दूसरी तरफ से अबू जहल ललकारता हुआ आया कि तुम यहां खड़े होकर गाली दे रहे हो, तेरे खतनी में पपत है कि कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं किसी में हिम्मत हो तो आगे बढ़ जाए, मगर किस में हिम्मत होगी? एक शुजा इंसान खड़ा हुआ है और ये बतला रहा है कि किसी की तुम में ताकत नहीं है कि इस वक्त कोई इकदाम करे मेरे खिलाफ। बहुत शुजा है पैगंबर, जो बात मनवाना चाहते हैं मनवा लेते हैं। मेरे दोस्त, एक उनवान मुस्तकिल है, कभी मौका मिले तो अर्ज करूंगा, पैगंबर इस्लाम ने जो चाहा वही हुआ। कभी ये ख्याल पैगंबर के मुतालिक न किया जाए कि आपका दिल बहुत चाहता था ये काम न हो सका। ये तारीख की रफ्तार है गलत। पैगंबर ये चाहते थे, पैगंबर ये चाहते थे, अरे फिर वो काहे का पैगंबर रह गया कि जो चाहता था और न हो सका? जो चाहा वही हुआ, जो चाहा नहीं हुआ, और जिस मंजिल पर पहुंचाकर आप दुनिया से जाना चाहते थे उसी मंजिल पर आपने पहुंचा दिया। कभी गलतफहमी न रहे, इसमें तफसीली गुफ्तगू है। इतना शुजा पैगंबर, और उस पैगंबर के साथ एक शुजा बाप का बेटा, एक शुजा बाप का बेटा। पैगंबर की शुजात वो, और फिर दिल को पैगंबर के यकीन कि अबू तालिब मौजूद है। अबू तालिब का ये आलम कि मेरे भतीजे जो चाहो करो, और अगर किसी ने तेवर बदल दिए और किसी की निगाह अगर बिगड़ी तो फिर मैं मौजूद हूं। ये पूरे अरब को मेरा चैलेंज है, मैं अकेला सही, मगर अबू तालिब तक जिंदा है, मोहम्मद पर आंच ना आएगी। यही वो शुजात थी अबू तालिब की कि जब कभी अली नाज की मंजिल पर आते तो कहते अबू तालिब का बेटा ये कह रहा है, अबू तालिब का बेटा ये कह रहा है। अबू तालिब ये समझते थे कि पूरा अरब मेरे मुकाबले पर आ जाए तो मैं तैयार हूं। सिफीन की लड़ाई में लोगों ने कहा या अली, अब आप बूढ़े हो गए और गिजा भी आपकी कम हो गई, आपने इरशाद फरमाया क्यों तुमको नहीं मालूम मैं अबू तालिब का बेटा हूं। लौ तज़ाहरतिल अरब अला क़िताली मा वल्लैतु अन्हा, अगर पूरा अरब मुझ अकेले से मिलकर लड़ने के लिए आए तो वो कभी मेरी पीठ को नहीं देखेगा। वो मंजिल है, उस शुजात का वो मकाम है कि जिसको हम ये कहते हैं कि पैगंबर शुजा, और पैगंबर के साथ उन मुसलसल रहने वाला भी शुजा। आठवीं मुहर्रम की रात,
میں نے بے شجاع انسانوں کا تذکرہ کیا, میں انہیں بے شجاع انسانوں کا تذکرہ اور کرنا چاہتا ہوں. محمد کی نیابت حسین کر رہے ہیں, علی کی نیابت عباس کر رہے ہیں, اور دو شجاع انسانوں کو دیکھو. کیسے شجاع؟ حسین کی شجاعت معلوم ہے کتنے شجاع ہیں. حسین حسین کی شجاعت کو اگر کوئی دیکھنا ہو تو باد عباس و علی اکبر دیکھے. باد عباس و علی اکبر دیکھے کس غضب کا حملہ کیا ہے, اور عباس کی شجاعت کیا کہنے عباس کی شجاعت کے, کیا تذکرہ ہو سکتا ہے. بہر صورت بھائی, اور پھر ایسا بھائی جو ہمت ہو, بازو بنا ہوا ہو فرزند رسول کے لیے, محافظ اہل حرم بھی, سقائے اہل بیت بھی, بچوں کا رکھوالی بھی, علم بردار لشکر بھی, بنی ہاشم کا چاند بھی, علی کا لال بھی, اور پھر ام البنین کا بیٹا ہے مگر زہرا جس کو اپنا نور نظر کہے وہ ہے عباس. نام آ گیا زبان پر, تو آؤ چند جملے انہی کے متعلق. میں سمجھتا ہوں سب لوگ عباس کو جانتے ہیں, سب لوگ عباس کے نام سے واقف ہیں, دوستوں نے سن رکھا ہے اس نام کو. عباس امیر المومنین کے بیٹے ہیں, جناب فاطمہ کے انتقال کی ایک مدت کے بعد امیر المومنین نے ایک عہد کیا بنی کلاب کے قبیلے کی ایک عورت سے. اس بی بی کا نام ام البنین ہے. جب ام البنین گھر میں آئیں, حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے. یہ شہزادی کو آتا ہوا دیکھ کر حسن و حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. ام البنین ہاتھوں کو جوڑ کے دوڑی اور کہا, شہزادوں ماں بننے کے لیے نہیں, کنیز بننے کے لیے آئی ہوں. میری تعظیم نہ کرنا, جب تک زندہ رہوں گی کنیز رہوں گی, اور میرے بچے آپ کے غلام ہوں گے. 21 رمضان کی رات کو علی دنیا سے جا رہے تھے, سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور امیر المومنین غش ہو گئے. ام البنین رونے لگی, غشی سے آنکھیں کھول کے علی نے کہا, ام البنین کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا, مولا یہ بنی کلاب کا بچہ اور اس گھرانے کا یہ لڑکا کیا اس قابل نہ تھا کہ آپ اس کا ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں دیتے؟ اتنا سننا تھا کہ آواز دی, این ولدی الحسین, میرا بچہ حسین کہاں ہے؟ حسین ابن علی آئے تو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا, عباس یہ بھائی نہیں یہ آقا ہے, اور حسین یہ بھائی نہیں یہ غلام ہے. بچپن سے عباس حسین کے ساتھ ساتھ رہے, حسین نے عباس کو پالا ہے, حسین نے عباس کا نام رکھا ہے. عباس کے معنی خود بکھرے ہوئے شیر کے ہیں. لغت میں عباس کہتے ہیں اس شیر کو جو غصے میں آ چکا ہو. یہ حسین ابن علی کا دیا ہوا نام ہے. 9 کا سن ہے, حسین کے ساتھ ہے. 12 کا سن ہے, حسین کے ساتھ ہے. بڑھتے چلے, حسین کے ساتھ ساتھ ہے. گھر میں حسین ہے تو ساری خدمتیں حسین کی عباس سے وابستہ ہے. بھائی آؤ, بھائی ان سے یہ کہو, بھائی ان کو یہ عطا کرو, بھائی میرا یہ کام ہے کر دو, بھائی پانی پلاؤ, بھائی ساتھ چلو. ہر منزل پر عباس عباس عباس. صبح سے شام تک معلوم نہیں حسین کتنی مرتبہ عباس کو پکارتے ہیں اور کتنی مرتبہ عباس لبیک کہتے ہیں. یہاں تک کہ کہا, عباس اب ہم مدینہ چھوڑیں گے. عباس قافلہ تیار ہو. جب قافلہ تیار ہوا اور سب سوار ہو گئے اور عباس اپنے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے تو کہنے کا پردہ اٹھا کے ام البنین نے پکار کے کہا, عباس ٹھہرو, آخری مرتبہ ماں سے تو ملتے جاؤ.
عباس نزدیک آئے, مادر گرامی کے پاؤں پر سر رکھ دیا, ام البنین نے سر کو سینے سے لگا کے کہا عباس تم کو یاد ہے کہ میری زندگی کیسے گزری, میں نے فاطمہ کی کنیزی میں زندگی گزار دی, دیکھو عباس تم بھی حسین کی غلامی میں زندگی گزار دو, عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار رہو, عباس فاطمہ کا نور نظر جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو عباس کے حسین زخمی ہو جائے اور میں فاطمہ کو محشر میں منہ نہ دکھا سکوں. عباس نے کہا اماں آپ مطمئن رہے, اماں ایسا ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہے ہیں. قافلہ چلا, عباس اب قافلے کے نگرانی ہے, عباس اب محملوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں, عباس اب محافظ اہل حرم بھی ہے. جس جگہ قافلہ رکے زینب پکارتی ہے عباس ادھر آؤ, ام کلثوم پکارتی ہے عباس ادھر آؤ, سکینہ پکارتی ہے چچا جان ہماری بات سنو, علی اکبر کہتے چچا جان ادھر آؤ. ارے پورے گھر کا مرکز بنے ہوئے ہیں عباس, اللہ اس طرح سے عباس گزار رہے ہیں بس کہ ایسے میں کسی نے جا کے زینب سے کہا بی بی عباس کو میدان کی اجازت مل گئی, بی بی عباس جا رہے ہیں, بی بی علمبر بار لشکر جا رہا ہے, اتنا سننا تھا کہ کھڑی تھی کمر خان کے پاس گئی اور کہا سنتا ارے جا کے عباس کو بتلا لا. عباس آئے بڑے ادب سے سلام کیا, سامنے تو زانو بیٹھ گئے تو رو کے کہنے لگی عباس تم کو میدان کی اجازت مل گئی, اب تم جا رہے ہو مرنے کے لیے, عباس اب تم ہم کو چھوڑ کے جاؤ گے, عباس بچوں کا کیا حال ہوگا, عباس لڑکیوں کا کیا حال ہوگا, یہ لشکر دیکھو کیسا بڑھتا ہوا آ رہا ہے. عباس میں نے بچپن میں اپنے بابا کو دیکھا تھا کہ کبھی کبھی وہ میرے بازو کو بوسا دیتے تھے, میں پوچھتی تھی بابا کیا بات ہے آپ میرے بازو کو کیوں پیار کرتے ہیں, تو رو کے کہتے تھے زینب ان بازوؤں میں رہ